प्रवलेंस एंड कोमोबिलिटी और डिप्रेसिव डिस ना वी विल सी कि ये इसकी प्रावलेंस रेट जो है वो बच्चों में कितनी है और जनरल पॉपुलेशन में कितनी है और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कौन से डिसऑर्डर जो हैं वो कोमोबिट हो सकते हैं प्रसिस्टेंट डिप्रेसिव डिस के साथ तो हेयर वी विल गो टू हु प्रेवलेंस तो जो प्रेवलेंस है इसमें चूँकि ये कहा जाता है कि डिस्थाइमिया क्रॉनिक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है इनको मिलाकर परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई गई है तो ये कहा जाता है कि ट्वेल्व uh, मंथ की प्रेवलेंस अगर देखी जाए तो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की पॉइंट ज़ीरो फाइव है जबकि क्रॉनिक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की वन पॉइंट फाइव है और जो पस, uh, पी uh, है हैं उसके बारे में यानी परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है uh, वो लोअर होता है देन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और अप्रॉक्सीमेटली वन परसेंट जो है ये बच्चों में देखा गया है और फाइव परसेंट जो है ये एडोलसेंस में uh, देखा गया है ठीक है तो जो प्रेवलेंस रेट है वो आपको यहाँ से इंडिकेट हो रही है देन वी विल मूव टू व कोमोबिडिटी कोमोबिडिटी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम ये बात करते हैं कि कौन से ऐसे डिसऑर्डर हैं जो कि कोवक कर सकते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के साथ सो हेयर वी विल गो सबसे पहली चीज़ जो है वो एन्जाइटी डिसऑर्डर है इट मे पॉसिबल कि ऐसे बच्चे जिनको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उनको कोई सोशल इन्जाइटी हो उन्हें कोई फोबियाज एग्जिबिट हो रहे हों या जनरलाइज एन्जाइटी डिसऑर्डर हो ठीक है या उन्हें पैनिक डिसऑर्डर हो इट मे पॉसिबल कि वो बच्चे इनके सिम्टम्स भी जो हैं वो एक्ज़िबिट कर सकें उसके बाद एग्जिबिशन की एक वजह ये भी हो सकती है इन्जाइटी डिसऑर्डर जो खास तौर पर बच्चे जो हैं आ, वो क्यों प्रज़ेंट करते हैं पिक्चर उसके साथ क्योंकि एट द टाइम के दे आर होपलेस दो अबाउट द फ्यूचर बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी मच रेस्टलेस अबाउट द प्रजेंट सिचुएशन टू और चूँकि वो कैटेस्ट्रोफाइज कर रहे होते हैं तो सर्टन टाइम जो पिक्चर है वो डिप्रेशन की और एन्जाइटी की जो है वो मिक्स करके हमारे सामने आ जाती है देन सबस्टेंस यूज डिस डिसडर जो है आ, वो भी सर्टन टाइम जो प्रसिस्टेंट डिप्रेसिव डिस के अडॉल एज के बच्चे होते हैं वो कोई ना कोई सब्सटेंस भी यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कहीं डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए तो उन्होंने सब्सटेंस कोई यूज़ करना नहीं शुरू कर दिया सर्टन टाइम इट्स जस्ट डू दैट थिंग एंड देन द अदर थिंग विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दे आर सेइंग कि अगर परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर ट्रीट ना हो या वो अनट्रीटेड रह जाए या वो अनअटेंडेड रह जाए तो इट मे पॉसिबल कि जब बच्चा एडल्टुड में जाए यानी एटीन अबव हो जाए तो वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो कि क्लस्टर बी और सी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसकी वो वाली जो पिक्चर है वो प्रेजेंट करना शुरू कर दे यानी हो सकता है उसे बॉर्डरलाइन लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाए या उसे हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाए या वो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में चला जाए या फिर वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में चला जाए तो इट मे पॉसिबल तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट के जो बच्चा है उसको अगर इस किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है जिसको हम प्रसिस्टेंट पर्सनैलिटी सॉरी परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं तो वी ऑल्सो नीड टू बी वेरी केयरफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दैट डिसऑर्डर रादर देन टू लीव इट अन दैट इट विल बी रिकवर्ड विद टाइम तो ऐसा नहीं होता वो आगे जाकर उसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर और किसी और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर कन्वर्ट होने के, के चांसेस भी हो सकते हैं सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स थैंक यू